अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज मैं दिखाने वाली हूँ अपनी भांजी। ये देख लीजिए, हुरैन फातिमा से मिली है आप सब। ये हुरैन फातिमा है और ये इंजॉय कर रही है, फुल मस्ती में है और ये बहुत ज़्यादा खेल रही थी। उस टाइम मैंने इसका ये थोड़ा सा क्लिप लिया था। ये घर आई थी हमारे तो ये डांस भी कर रही है। ये देख लीजिए, इतने छोटे छोटे बच्चे डांस भी करने लग गए हैं। ये कुछ भी बजता है ना तो उस पर ये डांस करना शुरू कर देती है। अगर इसके कानों में जैसे ही म्यूज़िक की आवाज़ आएगी ना, वैसे ही डांस करना शुरू कर देती है। और आप सबको कैसी लगी मेरी भांजी ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है और माशाल्लाह ज़रूर बोल देना है। और इधर शाइक बैठा हुआ था ये, तो इसको भी बोल रही थी कि आप भी डांस करो भाई, और ये बोलती भी है। तो मैंने म्यूट कर दिया था, वो सॉन्ग की वजह से म्यूट करना पड़ा। ये देख लीजिए कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये कहती है बंद कर दिया था ना उसको। बोल आम देख लीजिए, इंडिया का, हमारे यहाँ पर ऐसा आम होता है इंडिया में। ये देख लीजिए, जो भी बाहर से हैं हमारे फ्रेंड वो देख लीजिए। और हम इसको खाने वाले हैं, इंजॉय करेंगे। आप सब भी खा लीजिए, ये आप सबके लिए हैं। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी वीडियो पे आते हैं, आप सबके लिए हैं इतने सारे आम। ये खा लीजिए, इस टाइम आम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आम की फसल चल रही है इस टाइम पर। कितना अच्छा इसका कलर लग रहा है ना, ये रेड और ग्रीन, ये वाला कितना ज़्यादा रेड है यहाँ से। ये सारे ना डाल के हैं, ये पेड़ पे ही पके हुए हैं, ये इस पे कोई दवाई वगैरह लगा कर नहीं पकाए हैं, ये पेड़ से पके हुए हैं आम सारे। आप सुनकर अच्छा फील करेंगे और अच्छी अच्छी दुआओं से नवाजना आप। तो ये है मिठाई का डिब्बा, इसको मैं ओपन करती हूँ। और इसको कौन लाया था वो आगे चल के आप सब देखने वाले हो कि ये किस चीज़ की मिठाई है। तो आप सब खा लीजिए, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हो तो आप भी खाइए पहले, फिर बाद में मैं खाती हूँ। इसको करते हैं ओपन। ये देख लीजिए, ये ओपन हो चुकी है, अब इसको खोलते हैं। ये खाइए आप सब भी। आप जो भी पीस खाना चाहते हैं वो उठा लें, आप ये खाइए। कितना अच्छा लग रहा है इसका डिज़ाइन, ये देख लीजिए। और ये बहुत ही टेस्टी मिठाई है, और किस चीज़ की है वो आगे चल के मैं आप सबको बताऊंगी। फ़िलहाल आप खा लीजिए। देखिए गाइस कितना रस है इसका। और ये हमें ऐसे समझिए तोहफे में आई है, और ये तोहफा भी बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे, हमारे बच्चों को, आप सबके बच्चों को, सब तरक्की करें खूब, और सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाएं, ऐसे ही मुँह मीठा करें सब। मिलती हूँ मैं अभी थोड़ी देर में, फिर बताती हूँ आप सबको। ये देख लीजिए, ये है वो बेटा हमारा, हमारी नंद का बेटा है ये। ये MBBS डॉक्टर बना है। एक बेटा इनका बड़ा भी बना है, वो मैं आगे चल के उसकी भी पिक लगा दूंगी। ये दोनों फ़ोटो उसके ही हैं, ये अपने मामा के साथ खड़े हैं इधर, मेरे हस्बैंड है ये। और ये बराबर वाला जो चश्मे वाला है काले कोट में, ये बना है इस टाइम MBBS। और एक भाई इसका दूसरा है तो वो भी बना है। फ़िलहाल मेरे पास फ़ोटो नहीं था, फिर मैं कभी दिखा दूँगी। दो बच्चे उनके कामयाब हो गए हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही तरक्की करते रहें सब। सबके बच्चे आगे बढ़ें तभी माँ बापों को भी खुशी होती है। और इसी की ये मिठाई थी और इन्हीं के यहाँ से आई थी। हम जब गए थे तो मुझे वीडियो बनाने का याद नहीं रहा, इसलिए पिक लगा दी मैंने। अब हो चुका है डिनर टाइम, आइए आप सब डिनर कर लीजिए। और यहाँ पर फ्राई चल रही है, चिकन फ्राई है ये, और चिकन बटर चिकन सॉरी, और ये दोनों चीज़ें चल रही हैं। आप सब भी खा लीजिए, सारे फ्रेंड जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं सबके लिए हैं, सारी चीज़ें खा लीजिए। और आज मैंने बहुत कुछ खिलवा दिया है आप सबको,
उम्मीद है मुझे आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप सबको। मैंने आज पार्क भी दिखा दिया बातों ही बातों में और सारा कुछ बता दिया है मैंने। इस तरीके की वीडियो देखते रहें, मेरे चैनल पर आते रहें। जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बेल बटन भी ऑन रखना। मिलती हूँ मैं ऐसी ही और नई रेसिपी या नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, फिर मिलेंगे।